अद्दुनिया मजरतुल आखरा। जैसा तुम दुनिया में बोगे वैसा आखरत में काटोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरफा शौकत अपने चैनल दीनियात बाई आरफा से आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज 16 शव्वाल सन 1443 हिजरी और ये बुध की सहर है। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस, अद्दुनिया मजरतुल आखरा, यानी कि तुम जैसा दुनिया में बोगे वैसा ही उसका अजर, उसका सवाब, उसका फल आखरत में तुम्हें मिलेगा। यानी कि ये दुनिया क्या है, ये एक मुसाफिर खाना है। मतलब आप ये समझ लें, ये मंजिल नहीं है हमारी, ये राह है, ये रास्ता है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल तो हमारी आखरत है। तो इसलिए जिस तरह से एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है और वो अपने पूरी साल भर पूरी ज़िंदगी अपने उस एग्ज़ाम की तैयारी करता है और फिर जाके उसका एग्ज़ाम देता है और फिर उसका रिज़ल्ट आता है, तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है कि जाओ तुम अपने आमाल अच्छे से अच्छे करो। ये दुनिया जो है तुम्हारे लिए एक क्लासरूम है, तुम्हारे लिए एक इम्तिहान की जगह है, यहाँ पे तुम्हारा इम्तिहान हो रहा है जिसका नतीजा तुम्हें आखरत में मिलेगा। जैसा तुम करोगे उसका अजर तुम्हें आखरत में मिलेगा। जैसे एक आप एग्जाम्पल ले लें कि किसान है, वो क्या करता है, पूरी जिंदगी अपने हल जोतता है, जमीन को खूब जरखेज करता है, बीज बोता है, उसके बाद वो बैठ जाता है इंतज़ार में अपनी फसल के लिए। उसकी फसल तैयार हो जाती है, पेड़ लगाए हैं फल के तो उसमें फल आते हैं, तो ये क्या है, उसका इनाम है, उसका रिजल्ट है उसकी मेहनतों का। तो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा कि जाओ दुनिया तुम्हारे लिए ये एक आर्जी जगह है, तो जाओ खूब अच्छे आमाल करो अपने जैसे मैंने बताया कि अच्छे से अच्छा आप अपना करें, इबादतें करें, पूरी इंसानियत का हक अदा करते चलें और किसी का हक ना मारें। आजकल जैसे दुनिया में हो गया है कि वो एक रैट रेस लगी हुई है, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए इंसान दूसरे का हक मारता चला जा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अल्लाह ताला का एक नेक बंदा बन के ज़िंदगी गुजारना है। ये एक मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना देख लीजिए, कोई मुसाफिर होता है वो थोड़ी देर को रेस्ट रूम्स होते हैं स्टेशन पे, कहीं पे भी जो होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत सामान साथ में होता हमारा, उसके साथ हम गुजारा करते हैं और फिर वो हमारी वक्ती जगह है। इसी तरह दुनिया भी एक आर्जी जगह है, हतमी जगह हम लोगों के लिए क्या है, हमारी आखरत है, ऊपर जाके फाइनल जिंदगी हमारी दूसरी जिंदगी शुरू होगी, जो आखरत का ईमान हमारा हम सब पर है, हम मुसलमान हैं। तो इसलिए हमें अपने इखलाक को, अपने जो भी सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, हुकूकुल्लाह पूरे करते चलें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, सिर्फ नाम के मुसलमान ना रहें, काम के भी मुसलमान रहें, क्योंकि हमारी जो आखरत की पूंजी है वो हमारी दुनिया के हमारे एक्ट्स पे, हमने जो अमाल किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं, उस पे डिपेंड करेगी। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा तरह से अल्लाह ताला ने जो हमें जो वक्त दिया है, कहते हैं ना कि वो इंसान की ज़िंदगी कितनी है, आज़ान से लेके नमाज तक का दौरानिया, मतलब जब इंसान पैदा होता है तो उसके कान में आज़ान दी जाती है, तो ये जब इंसान दुनिया में आया तो आज़ान, और जब मरता है वो तो उसकी नमाज़ जनाजा होती है,
तो अजान और नमाज के बीच में कितना फर्क है, बस उतना ही हमारे पास इस दुनिया में है। तो इसलिए अच्छे से अच्छे अमाल कर लें ताकि खुदा को मुंह दिखाने के काबिल रहें कल। तो इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जितना भी हम लोगों को जो ये वक्त दिया है, मुख्तसर सा है, जो भी है, हम अपने अमाल पुख्ता करते चलें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो कुछ भी है उसके अलावा भी जो हमारे और भी जो इक़दामात हैं, जो हमारे इंसानी आमाल हैं, उनको भी बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करें ताकि कल को हम अल्लाह को अपना मुंह दिखाने के काबिल रहें। ये नहीं कि हम ये भी समेट लो, वो भी समेट लो, मेरे पास ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। कहते हैं ना, सामा है 100 बरस का, कल की खबर नहीं है। तो मतलब कल क्या होगा हमारे साथ, क्या वो जाना वही 2 गज मट्टी में, जमीन में है, मनो मट्टी के नीचे। तो हम दुनिया की रेट रेस में लगे रहते हैं लेकिन अपनी आखरत नहीं संवारते हैं। तो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे बहुत फोकस करना चाहिए कि दुनिया मजरतुल आखरा, जैसा तुम दुनिया में बोगे उसका अजर तुम आखरत में पाओगे। बल्कि मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अल्लाह ताला काफ़ी हद तक के इस दुनिया में भी दिखा देता है, जैसा आपने किया वैसा आपको इस दुनिया में भी दिखेगा। वो कहते हैं ना, मकफाते अमल, जैसा आप अमल करेंगे, जैसा आपका एक्शन होगा, रिएक्शन भी उसका अल्लाह ताला आपको इसी दुनिया में दिखा देगा। आखरत में जो होगा वो तो होगा, तो दुनिया में भी होगा और आखरत में भी होगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को आज यही बताया कि अदुनिया मज़रतुल आखरा। तो हम सब कोशिश करें कि हम अच्छी फसल तैयार करें, पेड़ अच्छे लगाएं हमारे हमें, ताकि आखरत में उसका फल अच्छा और मीठा मिले। आखिर में मैं अपनी बात का इख्तिताम इस शेर से करूंगी कि जीस्त का क्या एतबार ए हुनूस, आदमी बुलबुला है पानी का। तो दोस्तों, आप में आयफा शौकत, आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगी कोई अपना नया वीडियो लेके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।